सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी की एक बार फिर से मेरे पबजी मोबाइल की एक और नई वीडियो में। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल के 1.0.0 के अपडेट के कुछ न्यू फीचर के बारे में। वैसे ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूँ एंड उसके अंदर की मैंने जो भी 1.0.0 के जो भी मतलब फीचर्स थे सारे के सारे वहाँ पर मतलब कवर करे हैं। लेकिन यार कुछ फीचर थे जो कि वो अभी रह गए थे मतलब, तो मैं उसके अंदर नहीं कवर करवाया था। सो फाइनली इस वीडियो के अंदर मैं उस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग उस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फीचर की। तो इस यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे पहला फीचर मिला है वो आप लोगों को यहाँ पे मतलब हेयर स्टाइल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो तो अभी हम लोग का जो ग्लोबल का जो हमारा जो फीचर है उसमें हम लोग की जो हेयर स्टाइल है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल की जो है मूवमेंट करती है। ऐसे जो भी हमारी जो ग्रेफिटी है मतलब गर्ल की जो भी मतलब हेयर होते हैं उसके ऊपर वर्क करती है, जैसे कि अभी यहाँ पे तुम लोग देखोगे। लेकिन फाइनली 1.0.0 के अपडेट के बाद अभी यहाँ पे जो मतलब मेंस होंगे गाइस, सो मेन के जो भी मतलब हेयर होंगे उसके ऊपर भी वर्क करके, तो मैं तुम लोग को एक्चुअली यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने कैरेक्टर के ऊपर एंड यहाँ पे तुम लोग देखो तो यहाँ फिलहाल मेरा अभी यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर है। तो अगर यहाँ पे मैं मेल पे आऊँ यहाँ पे तुम लोग मेल के जो भी हेयर स्टाइल देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको मूवमेंट करता हूँ तो तुम लोग देखोगे, तुम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि हमारे जो हेयर के मतलब जो मैन के हेयर स्टाइल है वो भी यहाँ पे मूवमेंट करने हैं। और भी मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी ट्राई करा देता हूँ, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मतलब पबजी मोबाइल के जो भी डेवलपर्स हैं तो इस गेम को मतलब काफ़ी हद तक जो इसको रियलिस्टिक बनाने की सोच ट्राई कर रहे हैं। और वैसे यार काफ़ी हद तक जो है रियलिस्टिक हो चुका है, मतलब अभी हमको HDR के अंदर जो है बहुत ही अच्छा गेम प्ले देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ ग्लोबल की तो यार अगर तुम लोग ग्लोबल के अंदर चेक करोगे इसको जाके, तो जो मैन के जो भी हेयर स्टाइल है वो अभी यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है मूवमेंट नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को एक क्लिप दिखा देता हूँ। तो ये हम लोग का जो है ग्लोबल का क्लिप है एंड तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो तुम लोग को यहाँ पे जो है मैन की जो भी मतलब हेयर स्टाइल है वो यहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट करते नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो फीमेल के हैं वो आप लोग को यहाँ पे मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो कैसे यार मतलब आपको जो अब 0.0 हम लोग का जो 1.0.0 का जो अपडेट आएगा एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है अपने जो मैन के जो है हेयर स्टाइल होगा वो भी यहाँ पे मूवमेंट करेगा। सो ये तो हम लोग का मतलब फर्स्ट मतलब फीचर। तो अब बात करते हैं सेकंड फीचर की। तो कैसे यहाँ पे सेकंड फीचर हम लोग का मतलब ईवोग्राम से रिलेटेड है। तो एक्चुअली यार गेम के अंदर एक न्यू शॉटगन आने वाली है हम लोग की, जो कि यार मैं उस वीडियो के अंदर बताना भूल गया। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ यार सबसे पहले। तो एक्चुअली मैं ये क्लासिक के अंदर नहीं मिलेगा आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ ईवो ग्राउंड के अंदर ही देखने को मिलेगा, जो हमारा TDM रहता है। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे TDM में तो ले जाकर दिखा देता हूँ। और एक्चुअली मैं अभी मेरे में मैप तो डाउनलोड नहीं है, तो एक्चुअली मैं आपको लोड आउट के अंदर ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये हम लोग का जो एक शॉटगन आने वाला है जिसका नाम है M10 to M14। तो ये हम लोग का एक शॉटगन आने वाला है, तो इसमें कि 12 हमारी जो है मतलब शॉटगन की जो एमो रहती है वो यहाँ पे पड़ी होगी। एंड ये मतलब गन हम लोग को जो है सिर्फ और सिर्फ TDM के अंदर ही देखने को मिलेगी, और हो सकता है ये लिविक के अंदर भी हम लोग को देखने को मिल जाए, क्योंकि लिविक के अंदर भी काफ़ी सारे हम लोग गन्स मिल जाते हैं देखने को। तो हो सकता है हम लोग को ये लिविक मैप के अंदर भी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल तो हम लोग को यहाँ पर TDM के जो भी मतलब TDM रहता है हम लोग का एरिना उसके अंदर ही देखने को मिल रही। तो यार ये गन भी यार शॉटगन काफ़ी अच्छी शॉटगन है। फिलहाल इसका गेम प्ले मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैंने यार काफ़ी ट्राई किया लेकिन ये मतलब यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रही है, जिससे कि मैं TDM स्टार्ट करूँ एंड उसके बाद आपको जो इसका गेम प्ले दिखाऊँ। तो यार रियली सॉरी कि मैं आप लोग को जो इसका गेम प्ले नहीं दिखा सकता। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं आज की जो है थर्ड फीचर की। तो वो जो हम लोग का थर्ड फीचर वो हम लोग को जो है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर रहता है। तो चलो यार पहले मैं जो है गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ एंड उसके अंदर आपको दिखाता हूँ यार वो हम लोग का क्या फीचर है। तो अभी तुमको पता होगा कि हम लोग का जो मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, हम लोग का जो है 2.0 ट्रेनिंग ग्राउंड आ चुका है। लेकिन यार कुछ बंदे होंगे जिनको यार मतलब पहली बार जो है ट्रेनिंग ग्राउंड जो भी हम लोग को रहता है वो ज़्यादा उनको पसंद होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे मतलब एक हम लोग का जो है पुराना वाला भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। वो आप लोग कैसे करना तो उस चीज़ के बारे में बेसिकली बताऊँगा। तो जब तुम लोग यार नए ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर पहुंच जाओगे तो यहाँ पे फिलहाल अभी मेरा लोडिंग हो रहा है, तो यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ओपन। सो जैसा कि तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे हम लोग जो मतलब जो न्यू ट्रेनिंग ग्राउंड है इस कुछ इस तरीके से हम लोग को देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हम लोग जो पुराना मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड था इस वो बिल्कुल यहाँ पे निकल चुका है। और अभी तुम लोग यार सोचोगे ये चेरी पार्क है, तो ऐसे चेरी पार्क नहीं है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड ही है। चेरी पार्क भी हम लोग मतलब दोनों सेम ही हो चुके हैं काफ़ी हद तक। तो अगर तुम लोग जो है पुराने TDM पुराना जो है हम लोग का ट्रेनिंग ग्राउंड था उसको खेलना चाहते हो तो उसको कैसे खेल सकते हो, तो कैसे यार उसके लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पे आना होगा एंड यहाँ पे तुम लोगों को मतलब काफ़ी सारे इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तुम लोग जाओगे तो एंड यहाँ पे जो AKM का स्कैन है सॉरी AKM जो गन रखा है एंड यहाँ के आपको इसके पता होगा, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग का जो भी ओल्ड वाला ट्रेनिंग ग्राउंड है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा दूँ यहाँ पे। एक्चुअली मेरा गेम बहुत देरी से लोड होता है, ये वाला ट्रेनिंग ग्राउंड बीटा वर्जन के अंदर ग्लोबल के अंदर होता तो शायद जल्दी हो जाता। तो चलो मैं आपको ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का कि शायद आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाए।
सो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, हम लोग जो अपने पुराने जो हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड था फाइनली हम लोग उसके अंदर आ चुके हैं। एंड अगर जिन लोगों को भी मतलब पुराना ट्रेनिंग ग्राउंड पसंद था तो वो लोग यहाँ पे उस ट्रेनिंग ग्राउंड को खेल सकते हो। और यहाँ पे तुम लोग को सिंपल सा यार यहाँ पे आप लोग को जो है ट्रेनिंग रूल्स वगैरह मिल जाती है कि आप लोग मतलब वो सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी जानते हो। और पूरा का पूरा हम लोग का जो भी ओल्ड वाला ट्रेनिंग ग्राउंड है वो यहाँ पे जो कि अभी यार अभी हम लोग का ये वाला ओल्ड वाला है वो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से आप लोग इसको आकर खेल सकते हो। एंड गाइस यार उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अपने जो है एक न्यू सो गाइस उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेलोड मोड 2.0 के बारे में। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक ट्रेलर है जो कि मैं अभी आपको वीडियो के थोड़े से एंड में दिखा दूंगा। तो हम लोग को जो एक न्यू हम लोग को जो है पेलोड मोड 2.0 आने वाला है। तो गाइस उसका अभी तक जो ऑफिशियली कोई भी मतलब रिलीज डेट या फिर कोई भी लीक्स नहीं आई है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है क्योंकि हम लोग बीटा वर्जन के अंदर देखने को मिल चुका है। तो कुछ स्क्रीन शॉट वगैरह जो कि यार पबजी मोबाइल ने यहाँ पे मतलब दिए हैं हम लोग को, तो जो कि यार तुम लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हम लोग जो मतलब हम लोग का जो पेलोड मोड 2.0 है वो आई थिंक यार मुझे लगता है कि हम लोग का जो ये हम लोग का सीजन 15 आएगा एंड उसकी हम लोग को लास्ट तक देखने को मिल सकता है पबजी मोबाइल ग्लोबल के अंदर। तो अभी यार मतलब काफ़ी सारे लीक्स ये लोग दिखा रहे हैं मतलब पेलोड मोड 2.0 से रिलेटेड। और अभी तुम लोग यार इस ट्रेलर को भी देख लो यार मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, तो ये हम लोग का जो मतलब पेलोड 2.0 का ही ट्रेलर है। तो तुम लोग इस ट्रेलर को देख लो और तुम लोग यार को काफ़ी अच्छा लगेगा। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay. सो गाइस यार बस यार इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि यार तुम लोगों को सारी वीडियोस जो है पसंद आती होंगी मेरी। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना। और साथ ही यार जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सो प्लीज़ यार जिन लोगों ने भी यार सब्सक्राइब कर रखा है तो यार थैंक यू। और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही यार जिन लोगों ने यार सब्सक्राइब कर रखा है तो यार नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर से चेक कर लो यार कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर से ऑन कर रखा है कि नहीं, क्योंकि यार नोटिफिकेशन नहीं जाता काफ़ी लोगों के पास, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो यार जिन लोगों ने नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं ऑन किया तो प्लीज़ यार नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर से ऑन कर लो, जिससे कि यार मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप मेरे उस वीडियो को देख सकोगे। सो कहीं फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो पर, तब तक फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।